हेलो दोस्तों, दिवाली आ गई है, घर की साफ़ सफाई शुरू हो गई है। आज ये लोगों को जिम नहीं जाना था तो बोले लाओ मम्मी हम लोग घर साफ़ कर देते हैं, इसलिए लोग घर की साफ़ सफाई कर रहे हैं और अपना गाना बजा के नाच भी रहे हैं अपनी भोजपुरिया में। ये लोग बोले मम्मी तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, थोड़ा सर्दी खांसी भी हो गया है, इसकी वजह से बोले कि लाओ मम्मी हम लोग भी थोड़ा मदद कर देते हैं। इसलिए लोग थोड़ा आगे का साफ़ कर देंगे रूम और सब पीछे का किचन बिचन तो सब साफ़ कर देंगे। पूरा साफ करो नहीं जाली से पूरे जल्दी साफ करो, हाथ हो जाएगा तो साफ करो, प्रेशर को प्रेशर। दिवाली की तैयारी हो रही है, वो साफ करो। हाय दोस्तों, देखो मैं घर में आ गया हूँ, घर के अंदर आ गया हूँ, घर की साफ सफाई हो गई है। अभी देखो लक्ष्मी जी को मिलने जा रहा हूँ। देखो ये पूरा घर की साफ सफाई हो गई है, दिवाली बहुत हिसाब से चालू, पूरा साफ सफाई हो गई है। अरे लक्ष्मी साफ सफाई हो गई बहुत जल्दी। अरे इतना डेढ़ सारा, इतना सारा कैसे पड़ गया? 5 दिन बाकी बाबा सब अपनी अपनी जगह पर रखे। अरे यार, तो बहुत सारे बर्तन है, सब सब यहाँ सब सजाने के बाकी है। देखो मंदिर साफ हो गया, बाकी है मंदिर बाकी सब साफ हो गया, लेकिन क्लियर करना बाकी हो गया। ठीक है, ये रूम भी साफ हो गया, क्लियर है। आज खाना नहीं मिला है हमारे घर में किसी को, आज ये चारों चार जन ऐसे बैठे हैं। देखो एक पागल, इसको कुछ मिला नहीं तो देखो मोबाइल में घुसा हुआ है। देखो मोबाइल में सोचते है कौन सा खाना निकालो ना बेटा खाना खाना आज सब, आज हड़ताल कर दो नहीं नहीं ऐसे भी सब खा के मोटे हो गए हैं, एक दिन नहीं खाएंगे तो कुछ होगा नहीं, है ना गाइस? आप लोग कमेंट बताइए ना, एक दिन खाने से नहीं कुछ होता ना। ठीक है, देखो ये सब क्लियर हो गया, ये बालकनी है पीछे का, पीछे भी सब क्लियर हो गया, देख लो कपड़ा वपड़ा सब मतलब क्लियर हो गया। ठीक है, सब क्लियर, बर्तन है। चलो हो गया, तभी कुछ बनाना जा रहे हो कैसे? सही नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। देखो इसका मुंह देखो उसका, बस क्या बेटा, साफ सफाई करके फिर डीमार्ट चली गई थी सामान लेने। बस आए हैं राशन रोशन बनाने डीमार्ट में, कुछ थोड़े कपड़े वपड़े ले लें, और हमारे दुकान पे जो काम करते हैं कारीगर उनके लिए भी कुछ गिफ्ट उफ्ट लेना है, उसके लिए भी आए हैं, और राशन वासन भरा लेंगे डीमार्ट से। डीमार्ट में अच्छा रहता है, सब चीज़ एक साथ में मिल जाता है, इसलिए डीमार्ट बेस्ट है। सब आए हैं साथ में राशन लेने के लिए, सब अपना अपना कुछ भी ले रहे हैं, कोई अपना स्प्रे ले रहा है, बॉडी स्प्रे ले रहा है, और मैं अपना सब सामान भर रही हूँ, पाउडर साबुन ये सब। और ठंडी का मौसम आ गया है इसलिए मॉइस्चराइजर वॉइस्चराइजर ले रही हूँ। सब रात को कपड़े खरीदने जा रहे हैं, जो आपका हेरिंग लगे। पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप, हाँ पेट्रोल पंप, पेट्रोल नहीं है गाड़ी, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल बहुत महंगा है, अब हम पेट्रोल भरा। सब लोग जा रहे हैं कपड़ा खरीदने रात का समय।
लक्ष्मी जी तबीयत खराब है क्या? हुआ ज्यादा काम हो गया क्या? बोल रहा था कि पानी में मत चल। देखो गाइस, इनको पानी में ज्यादा रहने की वजह से सर्दी जुकाम बहुत होता है। देखो खांसी मत काम किया करो, और इनको होता ही है पानी में, बरसात में। बरसात में भी ठीक से नहा नहीं पाती, हम लोग बहुत नहाते हैं। बारिश की वजह से भी इनको बहुत सर्दी का नहीं नहीं नहाती, मुझे पता। और ये ब्लॉग हम यहाँ पे खत्म करते, इन्हीं के ऊपर खत्म करते। ये बीमार हो गई है, अभी आगे कोई मूड हो।